आइए हमारे साथ जो है यहाँ पे जुड़ी हुई है और आपको ले चलते हैं, जो ममता पांडे जी हैं यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रही, उनसे हम बातें करते हैं। ममता जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप कहाँ चल रही हैं, पीला झंडा उंडा लगा कर? क्या मैं इस समय कोपा खोना वार्ड नंबर 13 में प्रचार प्रसार में लगी हूँ, नगर निकाय चुनाव में सभासद की प्रत्याशी हूँ। जो है बीजेपी की कार्यकर्ता थी और बीजेपी में काफी दिनों से लगी रही थी, आखिर क्या वजह पड़ा है कि जो है भारतीय सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में आना पड़ा है? देखिए मैं बता दूं कि मैं बीजेपी की सदस्य थी, मैं बीजेपी का चुनाव प्रचार मैं पूरी तन्मयता के साथ करती थी। कितने दिनों से कर रही थी बीजेपी में? मैं मुझे याद ही नहीं है कि मैं कितने दिनों से कर रही थी, यानी काफी दिनों से बीजेपी की जी 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 बहुत दिनों से। और मुझे आश्वासन भी मिला था कि टिकट आपको मिलेगा, लेकिन टिकट चलिए मुझे नहीं मिला, वो भी मैं मानती हूँ, लेकिन बीजेपी के किसी भी सदस्य। क्यों आपका टिकट? देखिए टिकट इसलिए कटा कि कुछ क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं जो उन्होंने पता नहीं क्यों बीजेपी के किसी भी सदस्य को नहीं दिया। ये वार्ड नंबर 13 से सपा के एक प्रत्याशी हैं जो सपा में कार्यरत थे, उन पे कई आपराधिक मामले भी वांछित हैं, बीजेपी ने उनको टिकट दिया। अब ये तो बीजेपी ही जाने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो किसने टिकट के काटने का काम किया है? मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन इतना तो पक्का है कि ये कार्य बीजेपी के क्षेत्रीय सदस्यों पदाधिकारियों ने किया है। पदाधिकारियों ने किया? जी जी कुछ मठाधीश हैं जिन्होंने ये कार्य किया है। यानी मठाधीशों ने काम किया है जी, और इसका जवाब यहाँ की जनता देगी। तो ऐसा क्या लगता है कि आपको जो है फिर बीजेपी को छोड़ना पड़ा, भारतीय सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को पकड़ना पड़ा? देखिए जिस पार्टी में सम्मान ही ना हो, सम्मान ही नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, जहाँ मुझे लगता है कि इसमें मेरा सम्मान है, सहयोग है और मुझे इस पार्टी पे पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास और सबको जो है सम्मान, सबको सामान्य सम्मान दिया जाता है, आखिर आपको टिकट काटने का रीजन क्या रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी कहती है ये बात तो ये सही है कि सबका साथ सबका सम्मान सबका विकास, लेकिन इस चीज को मैं पूरी पार्टी को दोष नहीं दूंगी, ये क्षेत्रीय पदाधिकारियों की है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे और दूसरी तरफ क्षेत्रीय पदाधिकारी अपराध में लिप्त प्रत्याशी को वोट देते हैं, ये चीजें मेरी समझ से बाहर है, इसलिए मैंने इस पार्टी बिल्कुल बिल्कुल ये हो सकता है चाहते हो या पैसा हो कुछ भी हो जो भी हो, अब मैं इस पे यानी आपका इशारा किधर है, पैसे पे है कि चहेतों पे है? देखिए मेरा इशारा दोनों तरफ है, आप जिसको समझे, क्योंकि मैं मानती हूँ अगर बीजेपी ने मुझे योग्य नहीं समझा तो भाई और भी प्रत्याशी थे वो भी बीजेपी से जुड़े हुए थे, यानी और लोग भी कभी टिकट कट गया है? हाँ सबका टिकट कट गया, सारे लोग बागी हो चुके हैं। अब सारे लोग बागी हुए हैं नहीं हुए ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे बस तक दुख हुआ इस बात का कि अगर मुझे नहीं मिला किसी और सदस्य को मिलता, लेकिन अब आप सीधे उठा के सपा के प्रत्याशी को दे दें, वो भी एक दिन पहले जो ज्वाइन किया है बीजेपी को और वो भी उस पे कई आपराधिक मामले हैं, तो भैया इस चीज से तो मुझे बहुत आघात हुआ, मैं बहुत। यानी जिसको टिकट मिला हो आप उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप बताइए कि आप चल रही हैं? जो बीजेपी में कार्यरत है जो उसके लिए कार्य कर रहे हैं भाई, कायदन हक से तो उनको ही चाहिए ना। लेकिन जैसे आप लोगों से वोट मांग रहे हैं, देखिए हमारे वार्ड नंबर 13 में 6 प्रत्याशी हैं जो महिला सीट है, लेकिन आप 6 में से सभी महिलाओं को बिठाकर डिबेट करा लीजिए, कोई 10 मिनट तक नहीं बोल सकता कि हमारे क्षेत्र की समस्या क्या है। मैं डोर टू डोर एक एक घर गई हूँ, मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या नाली की समस्या है, उसके बाद आवास की समस्या है, इंटरलॉकिंग है और स्थिति तो इतनी बुरी है कि लोग गड्ढे खोद कर वहाँ पानी इकट्ठा करते हैं अपने नालियों की, जिससे कि कितनी सारी बीमारियां पनपेगी ये सभी जानते हैं। और दो दो बार भाई प्रधान रह चुके एक प्रत्याशी है, उन्होंने विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया है, ना नाली ना शौचालय ना इंटरलॉकिंग और आवास की और सारी चीजों की तो छोड़ ही दीजिए। अब मैं मेरा यही प्रयास है कि मैं अगर जीत गई तो मैं कोपागंज में पूरे 17 वार्ड है, सबसे ज्यादा बेस्ट मेरा कोपा कोना पूर्वी 13 वार्ड होगा। मैं ममता जी मैं ये जानना चाहूंगा कि जनता जो है 3 बार चुनाव कैसे जिता दिया जब इस गांव में जो विकास ही नहीं हुआ है? तो अब देखिए अब क्या ये भी जो है मठाधीशों के जो है चक्कर में पड़े हुए थे उसी तरह इनको टिकट मिला? अब देखिए अब टिकट मिला है, अब ये तो भाई जनता ही जानती है, लेकिन इतना है कि कुछ जातिवाद पे भी वोट होता है, लेकिन इस बार मैं जनता से यही अपील करूंगी कि आप जातिवाद को छोड़कर उस सदस्य को चुनिए जो आपके साथ चल सके,
जो आपका कार्य कर सके। आप जो पहले से ही लगे हुए हैं एक अपराधी को, या फिर जो पहले ही दो दो तीन तीन बार जीत चुका है जिसने कोई भी कार्य नहीं किया है। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रही हूँ, ये क्षेत्रीय पदाधिकारियों की वजह से टिकट मिला है, इसमें बीजेपी पार्टी का कोई दोष नहीं है और बीजेपी पार्टी को मैं दोष भी नहीं दे सकती हूँ। ये बस क्षेत्रीय पदाधिकारियों की वजह से टिकट दिया गया है, टिकट का वितरण हुआ है और इसमें सिर्फ क्षेत्रीय पदाधिकारियों का ही दोष है। चलिए हम मुद्दे पे हम आते हैं, आप जो है किस मुद्दे को लेकर जो है लोगों से वोट मांग रही हैं? देखिए, मैं विकास के मुद्दे को लेकर वोट मांग रही हूँ और मैं मुझे ये करना भी है, नहीं तो मैं भी अन्य महिलाओं की तरह घर में बैठती, मेरे हस्बैंड दो चार लोगों को लेकर क्षेत्र में निकलते, लेकिन मुझे कार्य करना है। मुझे जब तक मैं समस्या देखूंगी नहीं तब तक मैं उसको समझूंगी कैसे, अपनी बात रखूंगी कैसे, इसलिए मैं खुद क्षेत्र में निकल रही हूँ, मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, हमारे क्षेत्र की समस्या क्या, मैं एक एक व्यक्तिगत लोगों से मिल रही हूँ और इसीलिए मुझे विकास। चलिए ममता जी, हम जान रहे हैं अगर चुनाव आप जीत जा रही हैं तो देखा जाए कि काफी जो है विकास रुका हुआ है, गांव में काफी समस्या है, उसको कैसे लोगों को ले जाकर दिलाएंगी आप? देखिए, अगर जनता का आशीर्वाद रहा मैं जीत गई तो मैं अपनी बात पदाधिकारियों तक रखूंगी और मुझे पूरे निष्ठा के साथ अपने क्षेत्र का विकास करना। ये आपका नमस्कार हो, और मेरा नाम निबू लाल भारती है, मैं सुहृदय स्वाभिमान पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और हमारे प्रत्याशी जो है ममता पांडे जी हैं, इनके साथ में इनका सहयोग हम लोग करने के लिए उपस्थित हुए हैं, हमारे और वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग हैं। और जो भी समस्या है यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र का, सबसे पहले समस्या ये है, नाली का है, आवास का है, खड़िंजा है, पेंशन है, और अपने अपने घर के सामने गड्ढा खोद करके लोग जो है पानी का जमाव लगा हुआ है, उसे तमाम जो है बीमारियां फैलती हैं। तो इसको दूर करने के लिए हमारे प्रत्याशी जो है ममता पांडे बोल्ड प्रत्याशी हैं, किसी से बात करने के लिए भी अगर इनको लगा दिया जाएगा तो हिचकने वाली नहीं है महिला वो। और दूसरी बात है कि ये खुद सबके घर जा करके सबकी समस्या को देख रही हैं और नोट कर रही हैं, सबसे मिल रही हैं, ये नहीं कि जीत जाएंगी तो किसी भी अगर इनके पास कोई भी जनता अगर जा रही है तो सबको पहचान लेंगी।